देखिए तो भाई और बहनों, आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक है फाइनल अकाउंट, बीकॉम सेमेस्टर वन न्यू सिलेबस। बीकॉम सेमेस्टर वन न्यू सिलेबस का एक अनदर चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या होगा? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का मतलब क्या है? फाइनल अकाउंट क्या होता है बाबू? कितना मार्क्स का आएगा एग्जाम में? तो फाइनल अकाउंट 15 मार्क्स का आएगा। कितना मार्क्स का आएगा बोलो? 15। हाउ मेनी मार्क्स गाइस? 15। कितना मार्क्स? 15। 15 मार्क्स का एक तो बॉम्बेस्टिक सम्स देगा एग्जाम में। बॉम्बेस्टिक सम्स कैसा सम्स बोलो? बॉम्बेस्टिक। भाइयों और बहनों, फाइनल अकाउंट क्या होता है? फाइनल अकाउंट मतलब, इसका नाम फाइनल अकाउंट ही क्यों है? इसका नाम फाइनल अकाउंट इसलिए है क्योंकि किसी भी बिजनेस को हम लोग क्यों करते हैं? ये कोई भी बिजनेस हम लोग इसलिए करते हैं कि मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो बिजनेस का फाइनल रिजल्ट मतलब क्या? प्रॉफिट और लॉस। तो बिजनेस का फाइनल रिजल्ट जिस अकाउंट्स में निकालते हैं हम लोग, उन अकाउंट्स को हम लोग बोलते हैं फाइनल अकाउंट। इसका नाम फाइनल अकाउंट क्यों पड़ा? क्योंकि इसके बाद फिर कोई अकाउंट नहीं। फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, वेदर यू गॉट द प्रॉफिट और यू गॉट द लॉस। प्रॉफिट मिला या फिर लॉस? क्या मिला बोलो? प्रॉफिट मिला या फिर लॉस बोलो? क्या मिला तो निकाल के देखना पड़ेगा भाई, प्रॉफिट मिला कि लॉस। तो प्रॉफिट अथवा लॉस को जानने के लिए आप जो जो अकाउंट्स बनाते हो, जिन जिन चीज़ों को बनाते हो, उसको क्या बोलते हो? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट डिपेंड करता है बिजनेस का नेचर पे। अगर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल मैन बिजनेस, तो उसका फाइनल अकाउंट अलग बनता है। अगर आपका पार्टनरशिप है, क्या है, तो उसका फाइनल अकाउंट अलग बनता है। अगर आपका कंपनी है, उसका फाइनल अकाउंट अलग तरीके से बनता है। बस अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कोई सामान बनाते हो और उसके बाद बेचते हो, तो उसका अलग फाइनल अकाउंट बनता है। अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, मतलब ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपका काम सिर्फ खरीदना और बेचना, तो आपका अलग अकाउंट बनता है। मतलब फाइनल अकाउंट में भी बहुत सारा कैटेगरीज होते हैं। तो आपको कौन सा करना है? आप लोग का फाइनल अकाउंट बनाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप लोग को एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट्स आप लोग के सिलेबस में है, बस समझे। तो ट्रेडिंग अकाउंट का देखो, नॉर्मल एक बिजनेसमैन जो सामान खरीदता है बेचता है, उसका फाइनल अकाउंट आप लोग को बनाना सीखना है, क्योंकि सेमेस्टर वन बीकॉम सीयू के सिलेबस में यही है, समझ रहे हो ना। और फाइनल अकाउंट जब आप बनाओगे नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके लिए आपको तीन चीज बनाना पड़ेगा बाबू। कितना चीज बनाना पड़ेगा? तीन। पहला चीज है ट्रेडिंग, क्या बोलो? ट्रेडिंग। जोर से बोलिए। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा क्या है? देखो, एक तरह से आप देखोगे कि रिक्रिएशन हो रहा है। आप ये सब चीज 11 में भी पढ़े हो, आपको लगोगे लगेगा कि हाँ ये सब सुना सुनाया चीज हम लोग पढ़े। यही तो कॉमर्स में एडवांटेज है कि आप जो 11th 12th में पढ़े ना, जीवन भर वही पढ़ोगे, बस थोड़ा एक्सपैंड करके पढ़ोगे, थोड़ा ज्यादा करके पढ़ोगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, तो उसके अंदर घुस के पढ़ोगे। तो भाइयों और बहनों जल्दी बताइए, फाइनल अकाउंट आप लोग जो बनाओगे उसमें कितना चीज बनाओगे? बोलो बोलो, तीन चीज। क्या क्या बोलिए? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस। अच्छा, फाइनल अकाउंट, हाँ, ट्रेडिंग, पहले कौन सा चीज बनेगा बोलिए? फिर क्या? फिर क्या? पहले क्या? फिर क्या? फिर क्या? यस, पहले बनाओगे ट्रेडिंग, फिर बनाओगे पीएल और फिर बनाओगे बैलेंस। पहले क्या बनाओगे बाबू? फिर क्या बनाओगे? फिर क्या बनाओगे? बैलेंस शीट। सर, हम पहले पीएल नहीं बना सकते क्या? नहीं बना सकते, क्योंकि ट्रेडिंग से जो आंसर आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस से जो आंसर आता है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। इसीलिए आपको जब बनाना होगा तो कैसे बनाना होगा? लाइन बाय लाइन। कैसे बनाओगे? यस, पहले क्या बनाओगे? फिर क्या बनाओगे? फिर क्या बनाओगे? पहले, फिर, फिर, यस। याद रखिएगा, दिस विल गो इन द ऑर्डर। पहले आप पीएल नहीं बना सकते, बिकॉज ट्रेडिंग का जो फाइनल आंसर आता है वही पीएल का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और पीएल का जो फाइनल आंसर आता है वही बैलेंस शीट का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसीलिए लाइन बाय लाइन बनाओगे। कैसे बनाओगे? लाइन बाय लाइन। पहले क्या? फिर क्या? फिर क्या? बैलेंस शीट। कॉपी में हेडिंग दीजिए, फाइनल अकाउंट लिख दीजिए हेडिंग। आपके एग्जाम में कितना मार्क्स का आएगा? 15 मार्क्स, ज्यादा नहीं। कितना मार्क्स? 15। आप सोचो 24 मार्क्स में पास होना है तो 15 तो यहीं से उठा लेंगे। 15 मार्क्स आपको सिर्फ लाना है, 15 तो इसमें से ही आ जाएगा। तो देखो प्रॉब्लम क्या है, बच्चे लोग फेल क्यों जाते हैं? आप सोचोगे जब इतना ईजी है तो बच्चे लोग फेल क्यों जाता है? वो फेल होता है अपना कारण से। वो साल भर कभी किताब नहीं छोड़ता है, लास्ट एग्जाम से पहले जाएगा, एक दो वीडियो देख के जाके एग्जाम दे देंगे। तो ऐसे थोड़ी होगा, आपको रेगुलर करना है, स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, स्टार्टिंग से करना होगा। डिप्रिसिएशन में इतना सारा सम लोग सॉल्व किए,
क्यों है, दोड़ो चाटो सम्स करके आगे बढ़ सकते थे, लेकिन आप दोड़ो चाटो सम्स करके आगे बढ़ जाते तो आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाइएगा एग्जाम का, आपको हर टाइप का सम्स करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, तो आ जाओ तो लिखो फाइनल अकाउंट हेडिंग दे दी हो ना, पॉइंट नंबर वन लिखो। आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आज अगर मिस कर दोगे तो अगला क्लास समझ नहीं आएगा। लिखो ना प्लीज, लिखो बोले लिखिए। फाइनल अकाउंट इंक्लूड्स क्या लिखा होगा बताइए, कह रही फाइनल अकाउंट इंक्लूड्स ऑल दोज फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑल दोज फिनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या लिखा होगा बताइए, फिर से बोलिए, फाइनल अकाउंट इंक्लूड्स ऑल दोज फिनेंशियल स्टेटमेंट्स विच शोज द फाइनल रिजल्ट और फाइनल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हो गया बाबू, अगला पॉइंट में आइए, हो गया ना। ये सब देखो, ये सब नाम के लिए लिखा जाता है, ये सब सम्स में एग्जाम में नहीं पूछेगा। ये जो लिख रहे हैं ये सब एक तो कॉन्सेप्ट होता है कि हाँ, एक तो बैकग्राउंड के लिए लिखा जाता है। एग्जाम में इस चैप्टर से एक्सक्लूसिवली सम्स ही आएगा, कोई थ्योरी नहीं आएगा, एक तो भी थ्योरी नहीं आएगा। लेकिन ये पहला क्लास है ना, तो उसका इंट्रोडक्शन आपको करा रहे। पॉइंट नंबर टू लिखिए, इट इंक्लूड्स लिखिए, उसका लिखिए। पॉइंट नंबर वन, इट इंक्लूड्स का पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पॉइंट नंबर थ्री फाइनल अकाउंट, सॉरी बैलेंस शीट। क्या क्या हो गया बताइए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्या बाबू, बैलेंस शीट। अब ये तीनों के बारे में, मतलब तीनों आपको धीरे धीरे प्यार से बनाना होगा, तीनों का आपको हम फॉर्मेट सिखाते हैं। फॉर्मेट को एक बार रीडिंग मार के आना घर से, रेडी गाइस। देखिए इसमें दो स्टेप है क्लास का, पहला क्लास में आपको हम फॉर्मेट बता रहे, अब इसके बाद वाला क्लास जब आप करोगे तो उसमें आपको हम एडजस्टमेंट बताएंगे और उसके बाद वाला क्लास से आप सम्स बनाएंगे। कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए, नहीं तो आप सम्स स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। रेडी गाइस, देखिए तो सबसे पहले जब आप एग्जाम में फॉर्मेट बनाइएगा ना, तो आप सिंगल फॉर्मेट बनाइएगा, एकदम बड़ा सा फुल पेज। अभी भी आप ऐसे ही करना, अभी आप फुल पेज बनाना, पूरा एक पेज ले लोगे। कैसे ले लोगे, एक पेज। अमाउंट का कितना कॉलम बनाओगे बोलो, दो। अमाउंट का दो कॉलम बनाओगे, कितना कॉलम बनाओगे बोलो, कैमरा में देखे तो कॉलम, हाँ कि नहीं, बोलिए ना जी, नहीं आ रहा, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, रुकिए देख लेते हैं, एक सेकंड रुको, ऑनलाइन वालों पर्टिकुलर्स हेडिंग दोगे, इन द बुक्स ऑफ क्या, जो भी नाम रहेगा नाम लिख दोगे। अभी भी 12 में हो क्या, बोल रहे हो इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, देखो इन द बुक्स ऑफ के बाद डैश में जो भी नाम रहेगा क्वेश्चन में लिख दीजिएगा, उसका क्या लिखिएगा, ट्रेडिंग
देखो अलग अलग भी बनाया जा सकता है, बात समझे, लेकिन एक साथ बनाने से सही रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग और पीएल हम लोग एक साथ ही बनाएंगे क्योंकि दोनों का फॉर्मेट एक ही होता है, फॉर द ईयर एंडिंग। एकदम शिद्दत से सीखोगे, इसमें बहुत सारा क्लासेस हम लोग इसमें करेंगे, वराइटीज ऑफ सम सॉल्व करेंगे, जितना सॉल्व करोगे उतना याद होगा, फॉर्मेट पूरा याद आएगा, डेबिट और क्या बाबू क्रेडिट। तो भाई और बहनों सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर्मेट बना लोगे। क्या बना लोगे? फॉर्मेट। अभी पहले समझिए फिर बोलेंगे उतारिए तो उतारिएगा। रेडी गाइस? चलिए तो पहले क्या बनेगा बताओ, ट्रेडिंग बनाए ना पीएल बनाए? बोलो बोलो बोलो। सर हमको पीएल बनाने का बन करा, बना ले फिर फालतू बात करे, मन तो बहुत कुछ करता है, सब कर लेते हो क्या? नहीं तो चुपचाप से देखो, ट्रेडिंग में पहले क्या आएगा बोलो? ट्रेडिंग में सबसे पहला आइटम आएगा ओपनिंग स्टॉक। क्या आएगा बोलिए? ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद आता है परचेस। घर में आके एक बार रीडिंग कर लेना परचेस। अब परचेस में से माइनस कर दोगे परचेस रिटर्न अगर क्वेश्चन में है तो, 99% क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा, परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस कर देना। उसके बाद ना डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस आता है। क्या था बाबू? क्या था बताइए? डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब सामान को खरीदने से रिलेटेड जो खर्चा है, जैसे कि वेजेस, वाह, कैरेज इनवर्ड, नहीं आउटवर्ड इसमें नहीं आता बाबू, कैरेज इनवर्ड इसमें आता है, कैरेज आउटवर्ड पीएल में चला जाता है क्योंकि वो सेलिंग एक्सपेंस है इसीलिए। नहीं और क्या बोलो? नहीं, डेट ट्रेड डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो डायरेक्टली सामान को खरीदने से रिलेटेड है, ज़्यादा आइटम इसमें होता ही नहीं, एक दो गिना चुना आइटम है। और आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी समझते हो? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो है ही, इम्पोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ टैक्स पेड ऑन बाइंग द गुड्स फ्रॉम द फॉरिन कंट्री। जब आप दूसरा देश से सामान खरीदिएगा तो उस पर जो आप टैक्स दे दीजिएगा वो क्या हो जाता है? इम्पोर्ट ड्यूटी। अच्छा और एक वर्ड है, कुछ कुछ इसमें ज़्यादा आइटम है नहीं, फ्रेट, FREIGHT, फ्रेट। फ्रेट मतलब, फ्रेट मतलब होता है भाड़ा, फ्रेट मतलब क्या होता है? तो आप सोचोगे फ्रेट मतलब भी भाड़ा, कैरेज मतलब भी भाड़ा, तो दोनों का डिफरेंस क्या है? कैरेज मतलब होता है सामान को लाने का भाड़ा, गाड़ी जो होता है ना, गाड़ी जो छोटा हाथी चलता है, ट्रक चलता है, लॉरी चलता है, उसका जो भाड़ा है उसको क्या बोलते हैं? कैरेज। मतलब रोड पे जो गाड़ी चलता है उसका भाड़ा को क्या बोलते हैं? कैरेज। और पानी में जो जहाज चलता है या हवाई जहाज जो होता है उसका भाड़ा को क्या बोलते हैं? फ्राइट नहीं, फ्रेट। क्या बोलते बताओ? फ्रेट। फ्रेट मतलब क्या हो गया? भाड़ा। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। अगर मान ली कोई बच्चा आपका हाथ पकड़ लिया और बोला बताइए ना फ्रेट और कैरेज में क्या डिफरेंस है, तो बता दीजिएगा कि बाबू दोनों भाड़ा है। कल अगर आप स्कूल में टीचर बन गया, मान लीजिए कल अगर स्कूल में टीचर बन गया, कोई नोटी स्टूडेंट आपसे पूछ दिया कि कैरेज और फ्रेट में क्या डिफरेंस है, तो बताना पड़ेगा ना कि कैरेज मतलब रोड पे चलता हुआ गाड़ी का भाड़ा, फ्रेट मतलब पानी वाला जहाज या फिर हवाई जहाज। समझ रहे ना? ये सब कुछ कॉमन आइटम है। इसके अलावा फिर सम्स, डिपेंडिंग ऑन सम्स। देखो वैसे तो ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, एग्जॉस्टिव का मतलब ऐसा नहीं कि इसके बाहर कुछ नहीं है, लेकिन 99% सम्स में आपका इसी से काम हो जाएगा। अब एक दो सम आइटम ऐसा भी होगा जो सम्स करते करते आएगा तो उसको फेस करेंगे, तो ट्रेडिंग में चला गया। नॉर्मली क्या क्या चीज़ आता है वो किसी फैक्ट्री से रिलेटेड सामान को लाने में, सामान को ला, क्योंकि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो सामान को खरीदने से रिलेटेड जितना एक्सपेंस होगा वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस चला गया। बात समझे ना? तो नॉर्मली उसमें वेजेस आता है, कैरेज इनवर्ड आता है, इम्पोर्ट ड्यूटी आता है, फ्रेट आता है, फैक्ट्री से रिलेटेड भी कुछ खर्चा दे दिया तो वो भी डाल दीजिएगा इसमें, सब ट्रेडिंग में डाल दीजिएगा। कहाँ डाल दीजिएगा? ट्रेडिंग। अच्छा उसके बाद आपका वेजेस हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, इम्पोर्ट ड्यूटी का, फ्रेट, एक तो रॉयल्टी बोल के एक्सपेंस होता है, एक तो ऑक्ट्रॉय होता है, ऑक्ट्रॉय का मतलब होता है लोकल टैक्स, ऑक्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? लोकल टैक्स। तो ये सब आपको कभी कभी सम्स में मिलेगा, तो जो नॉर्मली आते हैं आइटम्स वो सब हमने लिख दिया बोर्ड में। बात समझे? अब आते हैं ट्रेडिंग साइड का आइटम, क्रेडिट साइड का, सॉरी, क्रेडिट साइड में क्या आता है बोलो? सेल्स। सेल्स में से क्या माइनस होगा? सेल्स रेंट। ट्रेडिंग देखोगे हमेशा छोटा ही बनेगा, बड़ा होता है पीएल, पीएल में आइटम बहुत होता है। क्यों बोले तो ट्रेडिंग में जो आइटम नहीं आया वो सब कहाँ चला जाएगा? पीएल। कॉमन सेंस। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करोगे अगर क्वेश्चन में है तो। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। नॉर्मली ये आइटम्स ही आते हैं ट्रेडिंग में, बस। अब इसके बाद क्या होगा? दोनों को जोड़ोगे, क्या करोगे? जोड़ेंगे। क्रेडिट साइड अगर बड़ा हुआ तो आएगा प्रॉफिट, और डेबिट साइड बड़ा हुआ तो लॉस। जो प्रॉफिट आएगा उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, क्या बोलते बोलो? और अगर डेबिट साइड बड़ा आया तो आएगा ग्रॉस लॉस।
क्या आएगा बोलो, ग्रॉस। अच्छा क्या ये दोनों आ सकता है एक सम्स में? नहीं आ सकता। क्यों? देखो स्टार क्यों लगा दिए, या तो ये आएगा आंसर में या तो ये आएगा, दोनों आ सकता है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आ सकता है? कोई इंसान या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा, लड़का लड़की दोनों हो सकता है क्या? पॉसिबल है? बोलिए पॉसिबल है? नहीं नहीं नहीं, हाँ वो जीरो सिचुएशन हो गया, लेकिन ये या तो प्रॉफिट या तो लॉस, या तो कुछ नहीं है, ऐसा हो सकता है, लेकिन दोनों होगा ऐसा नहीं हो सकता। बात समझे ना? तो आइदर यू विल गेट प्रॉफिट और यू विल गेट लॉस, या तो आपको प्रॉफिट मिलेगा या तो क्या मिलेगा, लॉस। दोनों एक सम्स में मिलेगा कि प्रॉफिट भी आ जा रहा लॉस भी आ जा रहा, नहीं, इसीलिए स्टार दे दिया कि या तो प्रॉफिट आएगा या तो क्या आएगा, लॉस। अगर क्रेडिट साइड बड़ा होगा तो इधर लिखोगे प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड बड़ा होगा तो उधर लिखोगे लॉस। छापो। देखिए हो गया, ट्रेडिंग के बाद क्या बनता है बोलिए? तो आपका फॉर्मेट जो है ना कंटिन्यू जाएगा उसी फॉर्मेट में। ट्रेडिंग के बाद क्या बनता है बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले लिखोगे ग्रॉस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट आया तो, लॉस आया तो उल्टा साइड में लिखोगे, कॉमन सेंस। प्रॉफिट पहले लिख दोगे, लेकिन देखो अब यहाँ पे समझिए, अगर ट्रेडिंग नहीं बनाएंगे तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं मिलेगा, अगर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बनाएंगे तो पीएल स्टार्ट नहीं हो। तो क्या भाई ग्रॉस प्रॉफिट लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा बताइए भाई? ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद पीएल में क्या होगा बताइए? जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है सब डेबिट साइड में, और जितना भी इनडायरेक्ट इनकम है सब कहाँ बाबू? क्रेडिट साइड। कुछ एग्जांपल दीजिए ना सर। लीजिए, टू सैलरी, टू रेंट, आप लोग भी बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं, टू डिस्काउंट अलाउड, कुछ कॉमन आइटम हम लिख रहे हैं यहाँ पे, टू डेप्रिसिएशन, वेरी गुड डेप्रिसिएशन, टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, नहीं नहीं इसमें नहीं, खर्चा, खर्चा है तो बोलिए, कोई खर्चा का नाम याद है तो बोलो। टू कमीशन, सैलरी लिख दे बाबू, टू कमीशन, टू इंटरेस्ट पेड, टू इंटरेस्ट पेड, टू एडवर्टाइजमेंट। ये लिस्ट जो है ना बाबू, ये बहुत बड़ा लिस्ट है, ये लिस्ट खत्म ही नहीं होगा, बात समझिए। ये लिस्ट जितना लिखेंगे ना उतना कम है, क्या है पीएल में बहुत आइटम आता है। तो आप यूं समझ लीजिए, ऐसे याद कर लेना, ऐसे पढ़ लो कि ट्रेडिंग में जो आइटम आ गया है उसको छोड़ के जितना खर्चा है और जितना इनकम है सब कहाँ आएगा? पीएल। खर्चा किस साइड आएगा? डेबिट। और इनकम किस साइड आएगा? क्रेडिट। खर्चा जैसे कि सैलरी, रेंट, डिस्काउंट अलाउड, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, कमीशन किसी को दे रहे हो, इंटरेस्ट पेड है, एडवर्टाइजमेंट है, और भी कुछ खर्चा, बहुत सारा खर्चा, खर्चा का तो अंत नहीं है, तो जैसे बनाएंगे तो और भी एक्सपेंसेस मिलेगा, टू बैड डेब्ट, पसंद है? ये कुछ कॉमन एक्सपेंस का नाम हम लिखे। इनकम साइड में कुछ कॉमन दो चार तो इनकम, ज्यादा इनकम नहीं, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इनडायरेक्ट इनकम दो चार तो ही, कमीशन रिसीव्ड, कैसी बोलिए, रेंट रिसीव कह सकते हो, बोनस। देखो बोनस देंगे तो खर्चा, कंपनी तो बोनस देगा ना, कंपनी को तो बोनस नहीं मिलेगा, बात समझिए। बोनस इधर लिख सकते हो आप, खर्चा है तो कैरेज आउटवर्ड, वेरी गुड, कैरेज आउटवर्ड लिख सकते हैं। क्या चीज? बिल्स पेबल बैलेंस शीट में आता है वो, एसेट और लाइबिलिटी है ना। और ये लिस्ट खत्म नहीं होगा, ये लिस्ट जितना बड़ा लिखेंगे उतना कम हो जाएगा। मतलब नॉर्मली कुछ आइटम आपको हमने बताया कि ये सब आइटम आता है, इसका मतलब ये नहीं कि इतना ही आइटम है, इसके अलावा भी बहुत आइटम है। बात देखो, हम ट्रेडिंग में आपको क्या बोले कि नॉर्मली आपका हर सम्स उतना से हो जाएगा, पीएल में आपको क्या बोल रहे हैं कि ये सब ज्यादातर सम्स में आपको मिलेगा, बट स्टिल इसके बाद भी कुछ आइटम्स रहेंगे जो बनाते बनाते हम लोग को समझ जाएंगे कि भाई कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन, रेंट मिला, रेंट रिसीव हुआ तो भाई रेंट लिख दीजिएगा। अच्छा ये अब मान लीजिए ये सब कुछ कॉमन आइटम हो गए, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड था ना उधर, तो यहाँ पर क्या हो गया बाबू? डिस्काउंट रिसीव। ये कुछ कॉमन आइटम आप एक बार रीडिंग मारने के लिए आपको दिया हुआ है कि भाई सम स्टार्ट करेंगे हम लोग, उसके लिए इतना आइटम हमको पता रहना चाहिए। तो अब क्या होगा, यहाँ भी सेम रूल, क्रेडिट साइड अगर बड़ा हुआ तो क्या आएगा बाबू? प्रॉफिट। उसके प्रॉफिट जो आता है उसका नाम क्या बाबू? नेट प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड बड़ा हुआ तो क्या आएगा बोलो? नेट लॉस। क्या बोले बाबू? वो सब बैलेंस शीट का आइटम है, अभी बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं हुआ ना, इसलिए आप बैलेंस शीट का आइटम बोल रहे हो, बस समझो बाबू। तो पीएल में, पीएल का डेबिट साइड में सारा एक्सपेंसेस, और पीएल का क्रेडिट साइड में सारा इनकम। आप ऐसे समझ लीजिए ना, ट्रेडिंग में जो खर्चा और जो इनकम आ गया है उसको छोड़ के जितना खर्चा और जितना इनकम है सब कहाँ आएगा? पीएल।
ऐसे भी आप समझ सकते हो, और वो बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा, खुद आप समझ जाओगे। खाली पहला सम्स को स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट हमको थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए कि भाई कौन सा खर्चा है कौन सा इनकम। तो एक बार उतारिए, इससे जो आंसर आएगा उसका नाम क्या होगा, नेट प्रॉफिट। हो गया क्या? देखिए बाबू एक चीज और होगा, अब बनेगा क्या बताइए, बैलेंस शीट। क्या बनेगा बोलो? बैलेंस शीट। प्लीज ध्यान दो ना, बैलेंस शीट देखिए कैसे बनता है। बैलेंस शीट में दो साइड होगा बाबू, क्या क्या होगा बताओ, लाइबिलिटीज और एसेट्स। आप लोग में किसी के लिए ना तो ये वर्ड बैलेंस शीट नया है ना तो ये कॉन्सेप्ट नया है, बस खाली इसको प्रैक्टिस करना है। बैलेंस शीट एज एट भी लिख सकते हो या एज ऑन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो डेट रहेगा क्लोजिंग बैलेंस वो लिखोगे। देखो बैलेंस शीट में क्या आएगा बाबू, इधर देख लो प्लीज। बैलेंस शीट में सबसे पहले आता है कैपिटल, उसके बाद उसमें ना ऐड कर देना। क्या ऐड कर दोगे? नेट प्रॉफिट। क्या ऐड कर दोगे? अगर प्रॉफिट आया तो ऐड कर देना, और अगर लॉस आएगा तो क्या कर दोगे? लेस। प्लीज देखिए ना, पांच मिनट का कॉन्सेप्ट है। और माइनस क्या कर दीजिएगा? ड्रॉइंग। जैसे एक बच्चे बार बार बोले थे ड्रॉइंग क्या होगा, ड्रॉइंग इधर आएगा, ठीक है। उसके बाद से कुछ नहीं करना, पढ़ के देखना एसेट है कि लाइबिलिटी है। अगर आइटम एसेट है तो इस साइड बैठाओगे, अगर लाइबिलिटी है तो इस साइड। जैसे कुछ एग्जांपल्स दीजिए, लाइबिलिटीज का कुछ एग्जांपल दीजिए आप लोग। लोन, वेरी गुड। बिल्स पेबल, जो बच्चे लोग चिल्ला चिल्ला के तब से बोल रहे थे बिल्स पेबल। बैंक ओवरड्राफ्ट, वेरी गुड यार, ये लग रहा है आप लोग अच्छा से पढ़े हो। और क्या बोलो? क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई खर्चा बाकी है तो अब ऐसे तो सब कुछ आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब कोई भी आउटस्टैंडिंग खर्चा, आउटस्टैंडिंग मतलब जो बाकी है। ये हो गया लाइबिलिटीज का कुछ आइटम। अब सम नॉर्मली आपका एग्जाम में इतना ऐसे आइटम से ही हो जाएगा काम। उसके बाद एसेट में आते हैं। एसेट में क्या क्या? एसेट तो बहुत है, चलिए स्टार्ट करते हैं बड़ा एसेट से। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, हाँ वेरी गुड, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, बैंक बैलेंस, स्टॉक, कैश, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब कुछ एग्जांपल किसके बाबू? एसेट। ऐसे बहुत आइटम, बिल्स रिसीवेबल, ऐसे बहुत आइटम है। और ये ऐसा नहीं बार बार आपको ही बोली, ऐसा नहीं कि इतना ही आइटम है, ऐसे बहुत आइटम है। और ये सारा आइटम को लिखने के बाद अगर मेरा दोनों साइड मैच करता है तो हम सम्स सही बनाए हैं, अगर मैच नहीं करता है तो हम सम्स गलत है। आपको घर में क्या करके आना है अगला दिन? आपको सिर्फ एक बार रीडिंग करके आना है कि कौन सा आइटम कहाँ जाता है। थैंक यू सो मच। मतलब उतारिए।